डायना भाई पाकिस्तान स्टूडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है लेसिथीन से रिलेटेड। लेसिथीन के ऊपर मैंने लास्ट टाइम यूट्यूब के ऊपर भी चेक किया, गूगल के ऊपर चेक किया, तो लेसिथीन की कुछ पिक्चर्स बड़ी हुई थी मगर लेसिथीन की डिटेल नहीं थी। तो मैंने कहा कि चले मैं किसी प्रोग्राम में लेसिथीन के गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट, उसकी प्रिवेंशन और उसके प्रोटेक्शन, उसके प्रिकॉशंस, ये सारी चीज़ें बताऊंगा और वही वीडियो कभी मैं यूट्यूब पे भी चढ़ाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने आज ये मौका दिया है, हम उस पाक ज़ात के बारह शुक्र गुजार हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट माई टॉपिक। एज यू नो माई टॉपिक इज अबाउट लेसिथीन। लेसिथीन इंसानी दिमाग का एक मेन आंसर है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उन बच्चों की खुराक के अंदर लेसिथीन को लाजमी करार दिया जाता है ताकि बच्चे पढ़ाई के अंदर बड़ी एक्टिव हों और चुस्त हों और उनकी दिमागी नशो नमा बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अब लेसिथीन जो है, लेसिथीन के फ़ायदे क्या हैं? लेसिथीन के फ़ायदों में से सबसे मेन फ़ायदा ये है कि लेसिथीन दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, दिमाग को ताकत देती है। और लेसिथीन का एक फ़ायदा यह है कि ये जो सर दर्द के मरीज होते हैं जिनके सर में अक्सर दर्द रहता है, उन मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ऐसे मरीज के जिनके सर में चक्कर आते हैं, उन मरीजों के लिए लेसिथीन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। या फिर एक बीमारी होती है माइग्रेन, आप सबने देखा होगा माइग्रेन ब्रीडिंग, बाज लोग इसे जो है ना दर्द शिकीका या आधे सर का दर्द भी कहते हैं, मोस्टली लोगों को ये होती है। और दर्द शिकीका या आधे सर के दर्द के जो मरीज होते हैं वो एलोपैथी के अंदर या फिर माइग्रेन खाते हैं या फिर दर्द की कोई ना कोई गोलियां खाते हैं, लेकिन उससे हमको टेम्परेरी तौर पर रिलीफ मिलता है, परमानेंट नहीं। लेसिथीन एक ऐसी चीज़ है कि अगर लेसिथीन को सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले लिया जाए एक गिलास गर्म पानी के साथ, तो लेसिथीन खाने से आपको जो माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है दर्द शिकीका की, तो वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने स्टडी करके आपको बताया, मैंने अपने क्लिनिक के अंदर, मैंने अपने प्रैक्टिस के अंदर ये जो लास्ट 6 ईयर्स गुजरे हैं, इन 6 सालों के अंदर मैंने इस चीज़ को बार बार आजमाया है। अच्छा, लेसिथीन आप लोग क्लिनिक्स के ऊपर आपने कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे, ये डॉक्टर साहब के पास लास्ट टाइम एक बच्चा आया था, मैंने देखा और मैं इनके क्लिनिक में ही था और उसको प्रॉब्लम क्या थी कि उस बच्चे की जो नाक है, नाक की एक साइड से कंटिन्यू मवाद निकल रहा था और कहते थे कि इसको ना कुछ समझ नहीं आती, बिल्कुल चला कल्ला सा है। शायद मेरी जो फर्स्ट कज़न है उनसे मेरी शादी हुई थी, उस वजह से ये बच्चा सीपी है ना। तो हमने क्या काम किया, हमने कहा कि इसकी दिमाग की जो खुराक है आप इसको वो यूज़ करवाएं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिमाग की जो खुराक है वो तो सिर्फ लेसिथीन ही है, तो हमने उसको लेसिथीन हमने उसको लिख कर दी, वो बता मार्केट में गया, उसने मंगवाई लेसिथीन, बच्चे को इस्तेमाल करवाई और अब वो बच्चा 1 क्लास का स्टूडेंट है। ये मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त उस बच्चे की उम्र 12 साल थी, लेकिन वो स्कूल में कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखा नहीं पा रहा था। अब वो बच्चा 1 क्लास का स्टूडेंट है और वो पीछे डॉक्टर करीम बैठे हुए हैं, ये आपको अपनी शरीर में बताएंगे भी। डॉक्टर करीम के क्लिनिक पर एक पागल मरीज आया कि जिसको आधी रात को आँख खुल जाती थी और उसके बाद वो चीखता चिल्लाता रहता था, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया कि चूंकि पागलपन की सी कैफियत थी, नींद भी उसको अच्छे तरीके से आ नहीं रही थी, दिमागी प्रॉब्लम थी, ठीक है, और उससे हट के सर दर्द उसको हमेशा रहता था, वो कहते थे मेरे कान भी बंद रहते हैं, तो डॉक्टर साहब ने उसको अपनी प्रैक्टिस के अंदर लेसिथीन इस्तेमाल करवा दी। लेसिथीन इस्तेमाल करवाने के बाद वो शख्स जो है बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं आपको अपना बताऊँ, मेरे पास एक साहब आए, वो बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड थे, रात की ड्यूटी करते थे ना, तो मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे कि मैं टैग्रिडॉल खाता हूँ, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है अक्सर, महीने में 1 से 2 बार मिर्गी का ना दौरा पड़ता है। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैंने उनका टोटली हिस्ट्री ली तो मुझे लगा कि ये बंदा ना लेसिथीन का मरीज है, तो मैंने उनको लेसिथीन दे दी।
अब जो कि आपको पता है छोटे, ये शैतानी नहीं करो आप, काइंडली ये ठीक करो, ऐसा नहीं करो प्लीज, ठीक होकर बैठो। अच्छा हुआ क्या कि उनको मैंने ना लेसिथिन यूज करवा दी। जब लेसिथिन यूज करवाई तो वो मतलब कहने लगा कि यार ये लेसिथिन जो है ना, इसकी जो प्राइस है 3600 रुपीज है, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर कोई ऐसा बंदा हो कि वो आधी लेसिथिन ले ले और आधी मैं ले लूंगा, तो होगा क्या कि मैं परचेज भी कर लूंगा, अगर मुझे फायदा हुआ तो मैं फिर भी ले लूंगा। अब मेरे जहन में ये नहीं था कि यार ये बंदा लेसिथिन परचेज करे, मेरे जहन में ये था कि ये शख्स लेसिथिन इस्तेमाल करे और मैं देखूं कि क्या मिर्गी के मरीजों में भी इसका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अच्छा उस शख्स ने वो इस्तेमाल की और उसके ठीक एक महीने के बाद मेरे पास आया, जो कि आधे डब्बे के अंदर होते हैं 50, और अगर वो सुबह शाम भी ले तो 25 दिन गुजर जाते हैं। तो मेरे यहाँ से कुछ दिन उसने नागा किया होगा, तो तकरीबन वो मेरे पास एक महीने के बाद दोबारा आया, कहते जी वो जो दोबारा आधा डब्बा था वो आप मुझे दे दें। अब वो तो उस वक्त तक मैं किसी पेशेंट को दे चुका था, तो वो क्या कि उसने दोबारा पूरा डब्बा लिया। कहने लगा जी मुझे अक्सर चक्कर आते थे, मैं बैठूं या ना बैठूं मुझे मिर्गी का दौरा पड़ जाता था, ये मेरे जो नाक पे चोटे हैं, मेरे जो सर पे चोटे हैं, ये मिर्गी की वजह से आई है। तो जब से मैंने ये लिया मुझे चक्कर भी कोई नहीं आते और मैं मुझे कभी मिर्गी का दौरा भी नहीं मिला। तो मिर्गी के मरीजों में भी, चूंकि बात लंबी होती चली जा रही है, मिर्गी के मरीजों में भी आप लेसिथिन का एक बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दे सकते। और उसके बाद उन बच्चों में कि जिन बच्चों को बात भूल जाती है, जिसको नसियान की शिकायत कहते हैं, बच्चों में, खवातीन में या बड़ों में, और मैं आपको ये चीज दावे से कहता हूँ, बल्कि मेरा टोटली जितने भी मॉलेज है उनके, मेरा चैलेंज है कि लेसिथिन से कोई ऐसी अच्छी गुजा हो कि जो दिमाग के नसियान के लिए काम करती हो प्रैक्टिकली। दावों में तो एक और बात आ जाती है ना, और लेसिथिन को मैंने जाती तौर पर इस्तेमाल किया। आप जैसा कि आप यहाँ पर बैठे हुए मोस्टली लोग मुझे जानते हैं, तो अमूमन होता है कि एक प्रोग्राम किया उसके बाद दूसरे में चले गए, फिर क्लिनिक में चले गए, फिर किसी आउटसाइड पे चले गए, तो नींद ना पूरी हुई। तो मैंने क्या काम किया कि एक लेसिथिन ली, थोड़े से गर्म या नॉर्मल पानी थोड़ी देर मुंह में रखने के बाद उसको निगल लिया ना, तो हुआ क्या कि उसके बाद देखा कि 25 से 30 मिनट के बाद दिमाग बड़ा रिलैक्स सा हो गया, बड़ा पुरसकून सा हो गया। और लेसिथिन वो लोग भी बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिनके वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे हो या फिर ये अकबर साहब की तरह बाल गिर रहे हो, वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े कामयाब नतायज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोगों को साल के 12 महीने फ्लू रहता है, जिनके जिनकी गाड़ी में टिश्यू का डब्बा होता है और जिनके जेब में टिश्यू का पैकेट होता है, वो लोग जो है बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो नजर जुकाम है ये पुस्तके तौर पर ख़त्म हो जाए, ठीक है, ये तो एक जाहिलाना हरकत हो जाएगी कि नजर जुकाम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ऐसा करना ठीक नहीं है। फ्लू आपका चलना चाहिए, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी एलर्जी खत्म हो जाए, क्योंकि आप सब कॉलेज हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एलर्जी की वजह से ऐसा होता है, तो उनके लिए मेरे ख्याल से लेसिथिन से अच्छी कोई चीज़ भी नहीं है। और लेसिथिन एंटी एजिंग भी है। अब कुछ लोग जो लेसिथिन मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा कि उनके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, उसकी मेन वजह यही है कि वो लेसिथिन इस्तेमाल करते हैं। और लेसिथिन के अंदर जो ऑयल होता है वो एक ऐसी चीज़ है कि बॉडी को विटामिन ई प्रोवाइड करता है, और विटामिन ई एक ऐसी चीज़ है कि चेहरे को बिल्कुल फ्रेश रखता है। अगर आपकी 40 साल की उम्र है तो अगर आप किसी को बताते हैं कि मेरी उम्र 27 साल है तो वो यकीन करेगा, क्योंकि आपके फेस के ऊपर किसी भी किस्म के रेंकल्स नहीं पड़े हुए, तो वो शख्स आपकी इस चीज़ बात को बिलीव करेगा। और आखिरी बात ये, जब इसके काफ़ी सारे फायदे हैं, इंशाल्लाह कभी ज़्यादा टाइम हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज हमारे काफ़ी सारे मेहमान हैं, उन्होंने भी बात करनी है किसी न किसी टॉपिक के ऊपर। तो आखिरी उसका जो फ़ायदा हुई है कि हमारे जो पेट के अंदर की अंतड़ी है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, इनके अंदर एक हल्की सी लैस पैदा करता है लेसिथिन। जब आप स्टूल पास करते हैं तो आप देखते हो कि यार पहले की नस्बत हमें पखाना ज़्यादा आ रहा है, और हमारा जो पेट था वो आहिस्ता 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 अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये अंतड़ियों के अंदर जो जहरीले मादे, जिनको हम इंग्लिश में टॉक्सिन्स कहते हैं, उनको खारिज करते हैं।
आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। दोबारा अगर रब्बे कायनात ने जिंदगी दी तो फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अगर आज की शाम हम चल बसे तो आपको, आप सबको मेरा आज का ये आखिरी सलाम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।